किसी ने क्या खूब कहा है, समय सबसे बड़ा सौदागर होता है जो हर पल आपके जीवन के साथ खेलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि जब हमें जीवन में दुख या कष्ट मिले या परेशानियों का समय हो तो क्या करना चाहिए और कैसे अपने आप को समझाएं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है खराब समय। एक बार की बात है, कुछ खरगोश गर्मी के दिनों में सवेरी की एक सूखी झाड़ी में इकट्ठे हुए। खरगोश किसी विशेष विषय पर आज बात करने वाले थे और सभी खरगोशों को आने का आदेश दिया गया। गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। सूरज मानो धरती पर सबको अपनी आग भरी लपटों से जलाना चाह रहा। खेतों में उन दिनों अन्न न होने से वे सब खरगोश भूखे थे और इन दिनों सुबह और शाम को गांव से बाहर घूमने वाले लोग के साथ आने वाले कुत्ते भी उन्हें बहुत तंग करते थे। कुत्ते जैसे ही उन खरगोशों को देखते थे उनका पीछा करना शुरू कर देते थे, जिससे खरगोशों को अपनी जान बचाने के लिए मैदान की झाड़ियों में छिपना पड़ता था। लेकिन गर्मी होने के कारण मैदान की झाड़ियां सूख गई थी। कुत्तों के दौड़ाने पर खरगोशों को छिपने का स्थान बहुत ही मुश्किल से मिलता था। इन सब दुखों से वे सब खरगोश परेशान हो चुके थे। एक खरगोश ने कहा, ब्रह्मा जी ने हमारी जाति के साथ बड़ा ही अन्याय किया है। एक तो हमको इतना छोटा और दुर्बल बनाया कि संकट आने की परिस्थितियों में हम अपना बचाव भी करें तो कैसे करें। हमें उन्होंने न तो हिरण जैसे सींग दिए न बिल्ली जैसे तेज पंजे। अपने शत्रुओं से बचने का हमारे पास कोई उपाय नहीं, सबके सामने से हमें भागना पड़ता है। सब ओर से सारी विपत्ति हम लोगों के सिर पर ही सृष्टिकर्ता ने डाल दी है। अब हम करें भी तो क्या करें। दूसरे खरगोश ने कहा, मैं तो अब इस दुख और पीड़ा से भरे जीवन से निराश हो गया हूं। मैंने तो तालाब में डूबकर मर जाने का निश्चय किया है। दूसरे खरगोश की बात सुनकर एक खरगोश बोला, मैं भी मर जाना चाहता हूं। अब और दुख मुझसे नहीं सहा जाता। मैं अभी तालाब में कूदकर अपने प्राण त्याग देता हूं। इस दुखी जीवन से मुक्ति तो मिलेगी, यूं रोज रोज मरना तो नहीं पड़ेगा। उस खरगोश की बात सुनकर सभी खरगोश बोले, हम सब तुम्हारे साथ हैं, चलते हैं। हम सब साथ रहे तो साथ ही मरेंगे। सब खरगोश प्राण त्यागने की बात सुनकर एक ही स्वर में बोले, सब एक साथ तालाब की ओर चल पड़े। तालाब के पानी से निकलकर बहुत से मेंढक किनारे पर बैठे थे। एकाएक जब खरगोशों के आने की आहट उन्हें मिली तो सभी मेंढक छपाछप पानी में कूद पड़े। मेंढकों को डर कर पानी में कूदते देख खरगोश रुक गए। सभी खरगोश मेंढकों की इस हरकत से हैरान थे। एक खरगोश बोला, भाइयों, प्राण देने की आवश्यकता नहीं है, आओ लौट चलें। जब ब्रह्मा की सृष्टि में हमसे भी छोटे और हमसे भी डरने वाले जीव रहते हैं और जीते हैं, तो हम जीवन में क्यों निराश हों। उस खरगोश की बात से सभी खरगोश सहमत थे और उसकी बात सुनकर खरगोशों ने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया और लौट गए। दोस्तों, जब हम पर विपत्ति आए और घबरा उठे तो यह देखो कि संसार में कितने लोग तुमसे भी अधिक दुखी, दरिद्र, रोगी और संकटग्रस्त हैं। पहले उन्हें देखो और उन्हें देखकर स्वयं ही यह तय करो कि तुम उनसे कितनी अच्छी दशा में हो। फिर तुम्हें क्यों घबराना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि जो जीवन तुम जी रहे हो, बहुत से लोगों को उस तरह का जीवन नसीब नहीं। दोस्तों, लोगों की परेशानियों और दुखों का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपनी तुलना करते हैं। अपने दुखों की तुलना, अपने परेशानियों की तुलना करिए ना ऐसे व्यक्ति जो परेशान हो, जो दुखी हो,
तब आपको पता चलेगा और फिर आप भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे कि आप तो बहुत अच्छे हो। तो दोस्तों, ऐसी सोच, ऐसी भावना अपने अंदर प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों में भी कमेंट जरूर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी प्रत्येक सुबह 5:30 बजे आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।